को बता दें जो कि सितारगंज के नगर पालिका अध्यक्ष हैं हरीश दुबे जी, उन पर 420 का मुकदमा दर्ज हुआ। ये देखिए कि मुझे तो कल ही इसके विषय में ज्ञात हुआ कि एक 420 का मुकदमा मेरे ऊपर और कुछ है। आके नगर पालिका अध्यक्ष जी से ही आज हम उनके पास आए हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन पे 420 का मुकदमा दर्ज क्यों हुआ। जी। नाम के व्यक्ति ने एक मुकदमा कराया है जो किसी रमेश अरोरा नाम के व्यक्ति का पार्टनर था किसी मील में, कि जो लोग जिसने मतलब कहने का मतलब जिसने हमको पंचायत के लिए बुलाया और वही हमको अगर मुलजिम बना रहा है और कह रहा है कि हमने सहयोग किया, वो पंचायत में जाना भी गुनाह है, तो भाई आगे से हम ये एक संदेश चला जाएगा, लोगों की पंचायतों में जाना बंद कर देंगे लोगों के। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अफसाना। फिलहाल मौजूद हैं उत्तराखंड के सितारगंज शहर में, और जो मामला निकलकर सामने आया है आपको बता दें जो कि सितारगंज के नगर पालिका अध्यक्ष हैं हरीश दुबे जी, उन पर 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन वो किस चीज़ को लेकर हुआ है, क्या रहा मेन कारण इसका, क्या रहा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी से ही आज हम उनके पास आए हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन पर 420 का मुकदमा दर्ज क्यों हुआ। सर, क्या नाम है आपका? हरीश दुबे। हरीश दुबे सर, ये जो 420 का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ है, ये किस क्यों हुआ है, क्या वजह रही? ये देखिए कि मुझे तो कल ही इसके विषय में ज्ञात हुआ कि एक 420 का मुकदमा मेरे ऊपर और कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों के ऊपर दर्ज हुआ है। फिर कल तो मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या बात है और किन कारणों से ये मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन आज जब मैंने उसकी तहरीर वहरीर पढ़ी तो फिर मुझे ज्ञात हुआ कि सचिन अरोरा नाम के व्यक्ति ने एक मुकदमा कराया है जो किसी रमेश अरोरा नाम के व्यक्ति का पार्टनर था किसी मील में, और मैं आपको बिल्कुल ये बात अब बता देना चाहता हूँ कि जिसका उस तहरीर के अंदर सचिन अरोरा ने जिस क्या कहते हैं रमेश का मुझे और अन्य कई जनप्रतिनिधियों को सहयोगी बताया है, तो उस रमेश अरोरा से मेरा कोई बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है और ना ही मैं उसको जानता हूँ, और ये भी मैं बताऊँ कि रमेश अरोरा भी मुझको नहीं जानते हैं जिनका सहयोगी बताया गया है। और एक बार मुझे उससे जो ज्ञात हुआ उससे मुझे याद भी आया है कि एक बार जो है सचिन अरोरा जो इस मुकदमे का वादी है उसके भाई नितिन अरोरा को हम जरूर जानते हैं, और नितिन अरोरा के द्वारा मुझे एक बार फ़ोन करके बुलाया गया कि एक भाई साहब मेरे बड़े भाई की एक पंचायत होनी है और आप उसमें आ जाइए, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारा काम है लोगों के मामलों को सुलटाना सुलझाना, तो हम चूँकि नितिन अरोरा को जानते थे और हम वहाँ पहुँचे और नितिन अरोरा के कहने पर पहुँचे, और वहाँ जाकर वहाँ काफ़ी लोग थे और मुश्किल से 10 या 15 मिनट वहाँ आप उसे पंचायत बैठक कह लें या कुछ भी कह लें, 10-15 मिनट हम लोग वहाँ बैठे। बैठने के बाद ये हुआ कि भाई उनमें जो आपस में कुछ सहमति सी थी नहीं बन पाई, वो इसलिए नहीं बन पाई जो बातें वहाँ तय थी, एक वकील साहब भी नितिन अरोरा ने बुला रखे थे और वो वकील साहब ने जो चीज़ें लिखी थी शर्तें लिखी थी वो उस पर दोनों लोग सहमत नहीं हो पाए, और सहमत नहीं होने के बाद तो फिर वो बर्खास्त हो गई बैठक कि भाई अब इस पे बात नहीं होगी। और उस दिन के बाद ना तो कभी नितिन अरोरा ने मुझे बुलाया इस मामले में और ना ही मैं कभी गया और ना उन्होंने मुझे कुछ बताया ना मैंने उनसे कभी पूछा। और दूसरी बात, जिस रमेश अरोरा का सहयोगी बता रहे हैं जिनका हो सकता है कोई लेन देन होगा, मैं इस विषय पर इसलिए ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, और हो सकता है कि कोई लेन देन हो उनका रमेश अरोरा जी से, और लेकिन रमेश अरोरा जो व्यक्ति हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं ढूंढ के, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, और उसमें एक नाम कोई लेडीज़ का भी है, वो लेडीज़ भी मेरे को नहीं पहचान सकती और मैं भी जो है कि कभी लेडीज़ से नहीं मिला, और एक कोई पारस अरोरा है उसको भी मैं नहीं जानता, वो भी मुझे नहीं जानता, तो ऐसे मुलजिम बनाए गए हैं। मैं जिन लोगों को जानता हूँ, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह जी हैं और जो है कि पूर्व के कांग्रेस के प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह जी हैं, वर्तमान के बीडीसी मेंबर मृदुल त्रिपाठी जी हैं, और वर्तमान के व्यापार मंडल के जो महामंत्री हैं मनीष अरोरा जी, जिनके घरेलू संबंध उस सचिन अरोरा से जो इस मामले के वादी हैं उनके घरेलू संबंध हैं, वो भी वहाँ उपस्थित थे।
तो मेरा कहना यह है कि अगर इस तरीके से जिनकी जो लोग जिसने मतलब कहने का मतलब जिसने हमको पंचायत के लिए बुलाया और वही हमको अगर मुलजिम बना रहा है और कह रहा है कि हमने सहयोग किया है, तो एक बार उसको हमसे पूछ लेना चाहिए था कि भाई क्या मामला, या हमको बता देना चाहिए था। चलो पूछेगा नहीं तो बता देना चाहिए था, लेकिन उसने ये ऐसा कुछ नहीं सोचा। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर रूप में ये बता दूँ कि ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक इसके अंदर षड्यंत्र रह गए और राजनीतिक दबाव में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और चलिए, मुझे कानून पर पूर्ण रूप से जानकारी जो है विश्वास है, मुझे कानून पर पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा, विवेचना ढंग से करेगा और बिना राजनीतिक दबाव के अगर इसकी विवेचना हो जाती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। और मेरा मानना ये पूरा ही मुकदमा झूठा है और बिल्कुल सच्चाई सामने आ जाएगी। और बाकी चीज़ें तो देखिए, बादी जो इसमें है और जिस जो उनके पार्टनर हैं जिनका रमेश अरोरा नाम बता रहे हैं, रमेश अरोरा है पता नहीं क्या नाम है उनका, तो वो ज़्यादा इस पर आपको प्रकाश डाल सकते हैं। तो मैं तो इतना कहूँगा कि मैं ही नहीं बल्कि और भी जो जनप्रतिनिधियों के नाम आए वो भी बिल्कुल झूठे और निराधार नाम है मेरे। तो कौन कौन जनप्रतिनिधियों के नाम हैं सर? मैंने बताया ना, एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह जी हैं और जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे नवतेज पाल जी हैं, और वर्तमान के बीडीसी मेंबर जो है मृदुल त्रिपाठी जी हैं, वर्तमान के व्यापार मंडल के महामंत्री मनीष अरोरा जी हैं। और ये सारे ही जनप्रतिनिधि, देखिए जनप्रतिनिधि कभी इस तरीके का काम नहीं करेगा। मेरी उन लोगों से हालांकि इस मुकदमे के बाद जो है बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो या बड़ा हो इस तरीके की घटनाएँ नहीं करेगा। वो पंचायत में जाना भी गुनाह है, तो भाई आगे से हम ये एक संदेश चला जाएगा, लोगों की पंचायतों में जाना बंद कर देंगे, लोगों के मामले सुलझाना सुलटाना बंद कर देंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है वो जो सचिन अरोरा है उनका भी कोई इसमें मुझे ऐसा लगता है कोई दोष है नहीं, कोई राजनीतिक दबाव से या राजनीतिक प्रेशर से ये मुकदमा हुआ है। क्योंकि वो मैंने तहरीर पढ़ी थी 13/5/2022 की, पाँचवें महीने की वो दी हुई तहरीर है, और उसके बाद किन कारणों से इतने दिनों बाद मुकदमा दर्ज हुआ ये सब जांच का विषय है। और जो राइस मिल की ये बात कर रहे हैं, वो राइस मिल भी हमारे सितारगंज क्षेत्र में नहीं है, वो खटीमा क्षेत्र में है। और जिस बैंक की ये बात कर रहे हैं, पैसे की लेन देन जहाँ हुआ वहाँ पे फुटेज होंगी, वहाँ पर सीसी कैमरे लगे हुए होंगे, वहाँ का मैनेजर होगा, वहाँ पे और अन्य लोग होंगे, क्या वो सब बात बताएंगे कि क्या हम सचिन अरोरा के साथ गए थे क्या पैसे निकलवाने, या वो जो विपक्षी जिसका हमको सहयोगी बता रहे हैं रमेश, क्या हम उसके साथ गए थे या कभी हमारी बातचीत हुई, क्या हमारे कभी फ़ोन पे इस तरीके की बातचीत हुई कि भाई आप उसको पैसे दे दो या पास ले लो, पता नहीं किस बात के पैसे और किस बात के। ये मैं तो ज़्यादा जानकारी नहीं, ठीक है पुलिस विवेचना करेगी। और उसमें ये कहा है कि हमने जो है सचिन अरोरा पे दबाव बनाया कि वो अपना कोई एक खाता होगा इनका साझे का, उसको खोल दे। तो हमारे कहने से कोई अपना साझे का खाता खोलेगा या बंद करेगा जी, ये तो खाली समझने वाली बात है। और ये सारे लोग जानते हैं, यहाँ के सारे लोग, जिन लोगों को पता लगा होगा मुकदमा लगा है, सभी लोग जानते हैं कि झूठा और निराधार मुकदमा है और विवेचना होने के बाद इसकी सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाएगी। विवेचना होने के बाद तो सर आपने हमें कॉल करके बुलाया यहाँ पर, आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन आपको आपने एक चीज़ और बोला कि सचिन अरोरा जो हैं जिन्होंने आप पे मुकदमा दर्ज कराया है उनकी भी कोई गलती है नहीं, दबाव में आकर उन्होंने क्या हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको एक बात तो बताऊं कि मैंने आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया, आपके पत्रकार महोदय का मेरे पास फ़ोन आया, वो मेरा पक्ष जानना चाहते थे। तो भाई मैं अपना पक्ष जरूर दूंगा, अगर कोई मीडिया जो है कि मेरा पक्ष लेना चाहती है तो अच्छी बात है। या आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस बात पे फोकस करा कि आप हमारा भी पक्ष लें। और दूसरा यह है कि सचिन अरोरा क्यों मेरे ऊपर और अन्य जनप्रतिनिधियों पर क्यों मुकदमा दर्ज करा रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझे ये पूरा राजनीतिक एक षड्यंत्र लगता है जी। और आप देखिए सितारगंज की स्थिति तो बड़ी डामाडोल है, और यहाँ पर जो कार्य नहीं हो रहे हैं और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं और उनको इस तरीके के मुकदमे में फंसा दिया जा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर धामी जी से भी कहूँगा कि इन चीज़ों पर लगाम कसनी चाहिए। देखिए अगर जनप्रतिनिधि लोग पंचायतों में जाएंगे और उन पर मुकदमे दर्ज होने लग जाएंगे, तो जब जनप्रतिनिधि मामलों को नहीं सुलटाएंगे और नहीं करेंगे, जाना बंद कर देंगे, तो मेरे ख्याल से जो है कि बहुत ज़्यादा स्थिति समाज की ख़राब हो जाएगी। और इसमें मुझे कानून पर पूरी जान जो है पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम सही तरीके से करेगा, और जो विभीषण अधिकारी हैं वो प्रत्येक बिंदु पर जो है कि नज़र डालेंगे कि इसमें क्या गलती है और किसकी गलती है, जिससे सच्चाई सामने आ सकेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे जी थे, इन्होंने अपना पक्ष रखा। अगर दूसरा पक्ष इस वीडियो को देख रहे हैं सुनील अरोरा, तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं हमारे चैनल पे आकर कि उन्होंने इनके ऊपर जो है 400 BC का मुकदमा क्यों दर्ज किया है। बाकी हरीश दुबे जी ने अपना कानून पे विश्वास दिखाया है कि कानून सही फैसला लेगा। अब देखना ये है कि जो इन पे आरोप लगाए गए हैं ये सही है या गलत, तो इसकी जांच पड़ताल तक कानून, जो इन्होंने कानून पे भरोसा जताया है, तो वो ज़रूर वहां तक पहुंचेंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे संसार क्रांति के साथ। मैं अफसाना, सितारगंज, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।